इस राजनीति में आई हूँ। मैं हमेशा प्रयास करती रहती हूँ, लोगों से पूछती भी रहती हूँ कि क्यों भैया बेटी पढ़ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी बहन मुझसे मिलती है तो मैं पूछती हूँ बेटी को जरूर पढ़ाइएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और यकीन माने जहाँ पे भी कोई भी बहन बोल देती है कि नहीं बच्चे के लिए ये दिक्कत है या एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ। क्योंकि अभी आप ही के सामने हमारे डीएम साहब ने बताया कि बेटी की शक्ति क्या है। बेटी एक समाज का, एक आगे बढ़ाने का एक रूप है, जिसके बिना हम सब अधूरे हैं। ये बातें आपने भी नाटक के माध्यम से बताया, मैं उन सभी बहनों को धन्यवाद देती हूँ, बहुत मेहनत से किया। और एक बहन मेरी जो वो शराबी का रोल कर रही थी, यूँ लग रहा था कि सच्ची में पी लिया है उन्होंने। लेकिन ये बात सही है, जब से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है कि हर जगह ये ठेके बंद हो, इस तरह की बातें हो। क्योंकि जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो कोई नहीं बहन मेरा हाथ पकड़ी लेती है, बोलती है वहाँ पे लोग शराब का ठेका खुला हुआ है और उसको बंद करा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी बहुएं निकलती है तो वहाँ से लोग फिक्रे कसते हैं, यानी बातें बोलते हैं, बड़ा अपमानित महसूस होता है। तो मैं उस समय तुरंत ही संज्ञान में अपने डीएम साहब को देती थी कि इस तरह की बातें हो रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें, और काफ़ी हद तक उस पर काम हुआ भी। लेकिन फिर भी ये हमारे समाज में ये जो शराब का नशा हर परिवार में फैल गया है, ये बहुत ही बुरा है। क्योंकि कोई भी बहन अगर दुखी है तो उसका सबसे प्रमुख कारण उसमें एक होता है कि उनके पति शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद ना वो घर में पैसा देते हैं, ना घर के खर्चे से मतलब होता है, वो